नमस्कार जिला रिपोर्ट सह मीति स्मृति स्वागत करुछि। बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा, सीबीएसई रा बाकी थिबा दशम ओ द्वादश रा अवशिष्ट परीक्षा बातिल। असंता जुलाई 1 रु हेबाकु थिबा बड़का परीक्षा बातिल होछि। परिस्थिति अनुकूल हेले द्वादश परीक्षा होइ पारे बोली सूचना मिलछि। एरे सुप्रीम कोर्ट को जणाइछन्ति एसजी तुषार मेहता। असंता जुलाई 1 रु 15 मध्यरे दशम ओ द्वादश रा बड़का विषय रा परीक्षा नै सीबीएसई रा विज्ञप्ति परे एहाकु बातिल करिबाकु दिल्ली रो केतेक अभिभावक कोर्ट को द्वारस्थ होइतले। कोरोना परिस्थिति को विचार को नै परीक्षा बातिल करा जायछि। बातिल हेला आईसीएसई रो दशम बोर्ड परीक्षा। परीक्षा बातिल कला आईसीएसई बोर्ड परवर्ती समय रो परीक्षा कराइबा नै नाही विकल्प। परीक्षा कराइबा संभव नुहे, बॉम्बे हाईकोर्ट को कहितले महाराष्ट्र सरकार। अधिक सूचना पाई फोन लाइन अच्छा नुआदिल्ली प्रतिनिधि सुशील पांडे। सुशील, बड़ी खबर, सीबीएसई 10th और 12th के होने वाले एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। और अपनी जानकारी में सीबीएसई ने कहा है कि जिस तरह कोविड का संक्रमण पूरे देश में बढ़ रहा है, ऐसे में 1 से 15 जुलाई के बीच जो आयोजित की गई थी सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा, उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की तरफ से यह बताया गया है कि साफ तौर से अभी माहौल ठीक नहीं है, लिहाजा अभी पूरे मामले में जो परीक्षा निर्धारित की गई थी उस परीक्षा को रद्द किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह भी बात कही है कि तमाम जो 12वीं के छात्र हैं उनको जो मिड परीक्षा हुई थी, उस मिड परीक्षा के आधार पर ये एक अधिसूचना तैयार करना है कि जो आंतरिक मूल्यांकन है, उस आंतरिक मूल्यांकन के बीच का जो छात्र परीक्षा देने या फिर जब परीक्षा की तिथि घोषित होगी तब वो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, उसके बारे में एक एफिडेविट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक सीबीएसई पूरे मामले में अपनी एक अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, एक एफिडेविट दाखिल करे और यह बताए। वहीं आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है, उसी तरह आईसीएसई बोर्ड भी अपनी परीक्षाओं को रद्द करेगा। ये तमाम जो फैसले इसलिए लिए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम परिजनों के द्वारा याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि 1 से और 15 जुलाई को 10वीं और 12वीं की जो सीबीएसई की परीक्षा है उसका आयोजन कराया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के मानक से तमाम जो लोग हैं वो कितने तैयार हैं, इसको लेकर फिलहाल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान एक बार फैसला सुनाया। जी सुशील, ये बची हुई परीक्षा होगी या नहीं, या फिर होगी तो कब होगी, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, जो बची हुई परीक्षा है उसको लेकर फिलहाल सीबीएसई की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया है कि अभी जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो समय निर्धारित किया गया था उस समय के दौरान परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन बाकी जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए सीबीएसई एचआरडी मिनिस्ट्री से और तमाम राज्यों से बातचीत करने के बाद एक नई तिथि घोषित करेगा। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि अगर तमाम जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं के परीक्षा दे लिया है और उनका जो मिड परीक्षा हुई थी उस मिड परीक्षा में उन्हें जितने भी मार्क्स मिले थे उस मार्क्स के आधार पर उन छात्रों को पास करने के लिए उन छात्रों से पूछा जाए, या फिर वो छात्र जो परीक्षा देना चाहते हैं उनसे ये राय ली जाए, ये तमाम राय और तमाम चीजें लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एफिडेविट दाखिल किया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी खबर है वो यही है कि 15 जुलाई और 1 जुलाई के बीच में जो सीबीएसई ने परीक्षा निर्धारित की थी उस परीक्षा को फिलहाल तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील तमाम जानकारी के लिए। इसलिए सुशील पांडे सभी से सूचना दौले सीबीएसई रा बाकी थिबा दशम और द्वादश रा अवशिष्ट परीक्षा बातिल। असंता जुलाई 1 रु हेबाकु थिबा बड़का परीक्षा बातिल होइछे। परिस्थिति अनुकूल हेले द्वादश परीक्षा होइ पारे बोली सूचना मिलिछे। एने सुप्रीम कोर्ट को जणाइछन्ति एसजी तुषार मेहता। असंता जुलाई 1 रु 15 मध्यरे दशम ओ द्वादश रा बड़का विषय रा परीक्षा नै सीबीएसई रा विज्ञप्ति परे एहा बातिल करबाकु दिल्ली रा केतेक अभिभावक कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा, रायगढ़ जिलारे पुणी जननी यंत्रणा। गांव आंबुलांस न पहुंची पारु तीन जन गर्भवती को 17 किलोमीटर चली चली जेबाकु पड़िछि। एभरी अभावनीय घटना देखिबाकु मिलिछि रायगढ़ मुनिगुड़ा ब्लॉक रा दुर्गम रघुबारी पंचायत रे। आज बारिंग पदर गांव रा जनक माछिंग स्त्री
बले माझी गर्भ जंत्रणा होवर प्रथमे परिवार लोके आंबुलांस को खबर देते हेले रास्ता खराब थिबा दर्शाई आंबुलांस पहुंची नथिला परे बाध्य होई परिवार लोके बले माझी को प्राय 17 किलोमीटर चलाई चलाई रघुबारी जाए आनीथिले। सेहीपरि अन्य दुई गर्भवती परमिता माझी और रमिता माझी रक्तहीनता जो चिकित्सा पाई आशा दीदी सहायता रास्तार चलाई चलाई अणा जाइथिला। बहु समय पर आंबुलांस घटनास्थल में पहुंचा पर संपृक्त गर्भवती मानू अंबादोला डाक्तरखाना अणा जाइथिला। अन्यपटे आसन्न प्रसवा बले माझी को प्राथमिक चिकित्सा देवापुर माँ गृह रखा जा गाड़ी फोन कर देखल आंबुलांस को आसी ना और पेसेंट दुईटा बुलेट नाई जे गोटे पेसेंट के बहुत पेन हो पेसेंट पाई माँ गृह के नापाई फोन कर देखल गाड़ी आसी ना आम गाँव में रास्ता ना कि रोड ना कि ना बहुत आमके हरियाण करुचन आशा मन हो गाड़ी टिके फोन करी नहीं पार्बार कि पेसेंट के नहीं नहीं पार्बार बोली आमके गाँव लोग मन भी बहुत कहचन बहुत गाली करुचन जे बोई कि नेमु कि रास्ता ना रोड ना हेते दूरियारू तो चली कि ना सेने बसई सेने इने धरिकिना हाथ मन भी धरी धरी बाटे घाटे बसईकिना आनुचु। बैंक मैनेजर कोरोना पॉजिटिव गजपति पारला खेमुंडी रे सील हेला स्टेट बैंक मुख्य ब्रांच सह दुईटी शाखा बैंक को परिदर्शन रे जाइथिबा मैनेजर कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे एभली पदक्षेप नेछि प्रशासन। एथिसह बैंक रे कार्य करुथिबा समस्त कर्मचारी को पठा जाइछि क्वारंटाइन रे। एथिसह बैंक को करा जाइछि सानिटाइज। सूचना अनुसार किछि दिन पूर्व बैंक शाखा को परिदर्शन पई भुवनेश्वर जणे जणे मैनेजर जाइथिले सेठारे फेरिबा परे से कोरोना संक्रमित थिबा नै चिन्हट होइथिला। एहा परे से जाइथिबा बैंक शाखा को सील करिछि प्रशासन। एथिसह सेठारे कार्यरत कर्मचारी को पठा जाइछि क्वारंटाइन रे। जिला रे आज पुणी 29 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन्दे एथिरु 2 जन कंटेनमेंट अंचल रो एहा सह जिला रे मोट आक्रांतक संख्या 384 रे पहुँचिछि। आज आम टोटल 29 नंबर ऑफ केसेस आसी तन्मधर 7 नंबर ऑफ केसेस टीएमसी मान आसी और 22 गोटे कंटेनमेंट जोन रु आमर एसबीआई मेन ब्रांच पार्लाखेमुंडे जे मैनेजर थे चीफ मैनेजर तर पॉजिट आसी एलडीएम खबर कले से भुवनेश्वर से टेस्टिंग कराई तो आम पाक खबर आसी तो आम कंटाक्ट ट्रेसींग कर प्रक्रिया चली। एएसआई वैषयिक टीम द्वारा श्रीमंदिर गर्भगृह जांच गर्भगृह समेत नाट मंडप और जगमोहन जांच करा श्रीमंदिर गर्भगृह जांच पर चली भाराबंधा पूर्त विभाग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तथा एएसआई कोर कमिटी सदस्य एनसी पाल अध्यक्षत जांच करा अन्य टीम पूर्त विभाग चीफ इंजीनियर बीके त्रिपाठी नेतृत्व में चारजणिया टीम जांच कर जगमोहन नाटमंडप गर्भगृह और अन्य सब स्थान को जांच करा केमिकल वाश प्लास्टिंग डिप्लास्टिंग मध्य करा जिबो सेहीपरि फाट जांच करा जिबा सह एहार मरामती मध्य करा जिबो 9 दिन पर्यंत चालिबो मरामती। निर्देश अनुसार आज तार कार्यक्रम हाथ को नियाबा पई का करा जिबो प्रोग्राम गर्भगृह जगमोहन नाटमंडप तापर तार जो अच्छी रोषशाला फ्लोर आपर जो केमिकल एनालिसिस हवा कथा करोजन विषय भी आसपर्ट से सब विभिन्न आंगल रू देखे और कोऑर्डिनेट करी फाइनली मीटिंग हम सेक्रेटरी सार भी आसपे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड कलेक्टर दे विल जॉइन लेटर। गुंडीचा मंदिर बाहर आड़प अभड़ा बस स्टाण भक्त को मिल आड़प अभड़ा टोकन काटी भक्त मैंने पारे अभड़ा यहपर बोझिया द्वारा घर को पठा जा महाप्रसाद आश्रम छक भक्त मैंने आसपा स्वतंत्र व्यवस्था करा सामाजिक दूरत्व रक्षा करी महाप्रसाद बंटन करा जिबो महासभा तरफ से आभर जो मंडप जो अभड़ा से जगह जो मैंने भक्त मान पाइप टपन रखी थे से जगह दि जाए कौन से जगह कौन लोक खाई ना कि कौन से जिनस ना बस स्टाण पाखे गोटे 150 लोक ठिया हाला भाया डेकोरेसन प्रशासन तरफ व्यवस्था होती आम सुपकर भाई मैंने बसवे टोकन व्यवस्था होती जहाँ जहाँ महाप्रसाद आवश्यक अच्छी आपण भाई मैंने आसिक पहुँची पारे भक्त मैंने आसिक पहुँचले जहाँ दरकार आम भाई से अर्डर कले एटी जगन्नाथ मंदिर भितर गुंडीचा मंदिर भितर समस्त महाप्रसाद आम बोझिया थ्रुए जोगे पार आग को रही किसी खबर बर्तमान बुलेटिन समय हो ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत।
धीरे धीरे बढ़िपे लगी खाउटी सामग्री दर चाउल तेल डाली पनीपरिया दर वृद्धि जो खाउटी समस्या बढ़ी हेले परिवहन खर्च बढ़ुतिबारु खाउटी सामग्री उपरे एहार प्रभाव पड़ितिबा कहिसंती खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वईं मंत्री कहिसंती जे दाम वृद्धि नै सजग अछि विभाग तेबे राज्य रे अत्यावश्यक सामग्री रो अतुं अभाव नाही डीजल दर बढ़िबा सह परिवहन खर्च बढ़ुछि हेले स्थिति उपरे पूरा नजर रखा जाइथिबा कहिसंती मंत्री डिपार्टमेंट तो पूरा एकतर सजग अछि कौनसी प्रकार सामग्री माने कमी ना आम स्टेट रे आज ऑन टुडे किंतु ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो एटा बढ़ी पारे पेट्रोल डीजेल जो बढ़ोती जो विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन दर बढ़े इट विल हैव ए कैस्केडिंग इफेक्ट किंतु आम नजर रखीछु दिन दीपहरे स्पष्ट दिवालोक डकायती गुरुड़ी झाटिया थाना अंतर्गत पुरुणा कटक संबलपुर रास्तार लिंगापदा गाँ निकट में एक कार्टून बोझे 407 ट्रक को अटकाई चारि दुर्बृत्त ड्राइवर को गाड़ी गुलज करने सहित गोड़ और हाथ को हाणी लुटी नहीं लक्षाधिक टंका बड़म्बा अंचल आकुपल्ली बड़म्बार कार्टून बोझे कटक जा समय गुरुड़ी झाटिया थाना लिंगापदा गाँ निकट में दुईट कला पल्सर गाड़ी में चारिज दुर्बृत्त आसी गाड़ी को अटकवा सहित ड्राइवर और हेल्पर को गाड़ी गुलज करते परे ड्राइवर को हाणी ड्राइवर निकटू 4,00,000 टंका लूट करी फेरार होई जाइथिले तांकु कखड़ी स्थित ब्रह्मपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठा जाइछि खबर पाई गुरुड़ी झाटिया पुलिस और धवलेश्वर फांडी पुलिस घटनास्थल रे पहुंचि तदंत जारी रखिछि ठीक है हाथ मारा हाथ मारियर टी स्लो सैड दे सैड द्वारा पक्ष जो बैकटा आई से हटा दिन आसिक मत चार्ज कर हाँ 4,00,000 पूरा केते जन आसते चार जन केतटा बैक आसते दुटा बैक बैक कौन कलर कौन को कला कलर को पल्सर दुटा कौथे आपन को हाणिले महंगा पड़ा कोरोना कटकणा उल्लंघन सिल है ब्रह्मपुर एक घर कोचिंग सेंटर ब्रह्मपुर सेलटेक्स छक निकट में रही सेक्सपियर एफन कोचिंग सेंटर शिक्षक शिक्षयत्री सटर पकाई भितर छात्र छात्री को पढ़ाऊ बेले प्रशासन पक्ष चढ़ाऊ कर सिल कर गत किछि दिन हेला एही कोचिंग सेंटर रे पाठ पढ़ा चलता बेले एने खबर पाइबा परे प्रशासन टीम पहुंचेला सटर बंद थिबारु टिके संदेह होइतिला तेबे भितरु छात्र छात्री पार्टी सुभिबा परे कबाट बाड़ेई पसिथिले जिला प्रशासन टीम क्लासरूम शिक्षक शिक्षयत्री 20 रु अधिक छात्र छात्री थिले हेले ना सानिटाइजेशन ना मास्क ना सामाजिक दूरता किछि नथिला आईन अनुसार कोचिंग सेंटर रो शिक्षकों विरोध में मध्य कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिसंती एसडीएमओ माने आईन को उल्लंघन करिकि इलीगली चलै छले तो अलग सडन आसी देखलु बाहर चाला पड़थला तो बहुत अनुरोध करे चाला खोलला पर देखलु जे बहुत छात्र छात्री भितर थिले ट्यूशन चली थला नॉर्मल जिमि चली थला कौनसी प्रकार विधि व्यवस्था भी नथला ता भितर पिलांको सैनिटाइज करबा सैनिटाइज करबा मास्क पास से सब किछि व्यवस्था नथला जहाँफर आम बंद करने पदक्षेप नौ एक्चुअली लास्ट वन वीक है क्लास स्टार्ट करूँ इट इज ए मिस्टेक एक्चुअली मिस्टेक आम पेरेन्ट्स रेज पेरेन्ट्स रिक्वेस्ट प्लस आमर कनसाइज भी आमको एलाउ कला हाँ पढ़ेगा कहीं पाठ नष्ट हो मे बी दिस इज द रिजन आउ फर दिस इट इज ए पनिशमेंट पनिशमेंट आउ आई एम रेडी टू फेस द कन्सिक्वेन्सेस इट्स मिस्टेक टेक्निकली वी सपोज नट टू टेक् द Children's life at a different point, but it's a bhul to hich and we are ready. Rajyare chinhat hoichanti au 210 corona positive. 18 jilaru au 210 corona positive chinhat hoichanti. Sangarodha kendraru 174 jana o sthaniya anchalaru 36 nua sankramita chinhat hoichanti. Ya madhyaru ganjamru sarvadhika 58 o khordaru 47 positive case samnaku asichi. Seipari gajapatiru 29 o balangiru 11 jana akranta chinhat hoichanti. पुरी और जाजपुर 8 जन लेखाएं पॉजिटिव सामना को आसी मयूरभंज और ढेंकानालु 7 जन लेखाएं चिन्हट होती सुंदरगढ़ 6 कटक और केन्दुझर 5 लेखाएं पॉजिटिव सामना को आसी नयागढ़ और केन्द्रापड़ 3 जन लेखाएं नुआ आक्रांत चिन्हट होती नवरंगपुर और बालेश्वर 2 जन लेखाएं पॉजिटिव केस आसी देवगढ़ अनुगुण और संबलपुर जड़े लेखाएं नुआ आक्रांत चिन्हट होता बेले नुआ 210 पॉजिटिव सह राज्य में मोट कोरोना आक्रांतों संख्या 5,962 को वृद्धि पाई पश्चिम बंगरु फेरी 6 एनडीआरएफ जवान पॉजिटिव चिन्हट होती
राज्य में वर्तमान 1815 आक्रांत चिकित्सित होता बेले से 4123 आक्रांत सुस्थ हो सारे। दुटा पॉजिटिव केस रिपोर्ट होने आम जिलार जो बीएसएफ जवान महाराष्ट्र जड़े बिहार आसी से किसी सिम्टम डेवलप करने जो बीएड कॉलेज जो नवरंगपुर आम कोविड हेल्थ सेंटर अच्छे से स्थानांतरित कर आज का तारीख में आम जिले में टोटाल पॉजिटिव केस हो 15 और से भितर दुई जन सुस्थ हो घर को फेरी सारी एवं आम 13 जन पॉजिटिव केस अच्छा समस्त चिकित्सा चली समस्त स्वास्थ्य अवस्था बहुत स्टेबल अच्छी से देशरे पुणी रेकर्ड भांगिला कोरोना भाइरस दिनक पुणी रेकर्ड संख्यक पॉजिटिव चिन्हट 24 घंटे 16922 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले 418 जनकर मृत्यु होइछि। मोट आक्रांत संख्या 4,73,105 पहुंचीता बेले मृत्यु संख्या 14,894 को वृद्धि पाई एथिरु 1,86,514 चिकित्साधीन अछन्ति। 24 घंटे केवल महाराष्ट्र 208 प्राण हर महाराष्ट्र में मृत्यु संख्या 6,739 को वृद्धि पाई दिल्ली में 2,365 गुजरात में 1,735 और तमिलनाडु में 8,066 आक्रांत मृत्यु होपटे राजधानी दिल्ली को नहीं बढ़ला चिंता देश में कोरोना कैपिटाल है दिल्ली कोरोना संक्रमित संख्य मुंबई को टपिच दिल्ली मुंबई पर दिल्ली में सर्वाधिक कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार दिल्ली में कोरोना संक्रमित संख्या 70,000 पार कर सारी संक्रमण हार में देशर सर्वाधिक संक्रमित 4 बड़ महानगर मध्य आगे रही दिल्ली। पारादीप आरंभ है इंडियन ऑयल प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर पीएडीसी 43 कोटी प्रकल्प को वर्चुअल उत्सव में उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भद्रक और धामरारे टेक्सटाइल यूनिट भी यह सहायक हेब पॉलिएस्टर सूता और कपड़ा वैषयिक केन्द्र भाव में यह काम कर विभिन्न गवेषणा और विकास अनुष्ठान सहायक हेब आईसीटी सीपेट और एनसीएल अनुष्ठान को पीएडीसी सहयोग कर 5 एकर जमी और 3,334 वर्गमीटर क्षेत्र में प्रतिष्ठा होता यह केन्द्र देश में षष्ठ एवं पूर्व भारत द्वितीय प्रकल्प पीएडीसी ओडिशार अभिवृद्धि सहायक हो मुख्यमंत्री प्लास्टिक और पॉलीमर क्षेत्र में निर्माण पर निवेशकारी सहायक हो राज्य में प्लास्टिक उद्योग आईओसीएल गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही भित्तिभूमि कंचा माल उद्योगी सहयोग करने सांग को पॉलीमर आधारित शिल्प पीएडीसी मुख्य भूमिका नेब नवीन अंपटे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते ओडिशा रोजगार और राजस्व बढ़ावा उद्यम को केन्द्र सहयोग करादीप विश्वस्तर प्लास्टिक पार्क निर्माण होद्वारा प्लास्टिक आधारित आधुनिक उपकरण निर्माण होड़ा सीपेट्रे उच्चस्तर ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण कर प्लास्टिक उद्योगी को निरंतर और कम मूल्य कंचा माल मिलूंट धर्मेन्द्र पीएडीसी हेबा द्वारा ओडिया युवक को आत्मनिर्भर होबारे बड़ पदक्षेप हेब यह मुख्यमंत्री को धन्यवाद जनाइछन्ते धर्मेन्द्र प्रधान। This center will not only perform a pivotal role in developing the new materials and innovative applications, but will also provide support to investors in setting up manufacturing units in the plastic and polymer sectors. IOCL is the anchor for the plastic and petrochemicals based industries in Odisha. It should play a proactive role in providing infrastructure, raw material support and technology support to entrepreneurs who wish to set up their units in the region. Product application and development center ye odia शिल्पोद्योगी मानकु ओडिया युवक मानकु आत्मनिर्भर हबारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान रे आत्मनिर्भर हबारे गोटे बहुत बड़ पदक्षेप हम भद्रक टेक्सटाइल रॉ मटेरियल कारखाना हो
जो कारखाना रो आग को जाई राज्य सरकार को द्वारा परिकल्पित थामरा रो मेगा टेक्सटाइल पार्क रे रॉ मटेरियल पहुंचबो एटिकार युवक मान को रोजगार मिलबो एटिकार पूर्व भारत आवश्यकता को धामरा रु पूरा करा जिवो ओडिस भारत आवश्यकता को धामरा रु पूरा करा जिवो विश्व आवश्यकता को भी धामरा रु पूरा करिवार वैश्विक बाजार संगे जोड़ा जिवो तार दायित्व जहां आपन पाखरे अछि एमईजी पीटीए भद्रक प्लांट तीनोटी जाक प्लांट को आपन पक्का पक्की 25,000 कोटी टंका यार खर्च हम या आपने पूरा करेंगे समय अनुसार पूरा करेंगे आगामी 2-3 वर्ष भर पूरा करेंगे ये मोर पूरा विश्वास ओडिशा सरकार तापे सब प्रकार सहयोग जोगेबे एटा मोर माननीय मुख्यमंत्री पाखे निवेदन। हीराकुदरु छड़ागला चलित बर्षर प्रथम बन्या जल प्रथम 7 नंबर स्लुइस गेट रे छड़ा जाइथिला बन्या जल यापर पर्याय क्रमे बाम पार्श्व स्पिल वे 6 गेट और डाहाण पार्श्व स्पिल वे 4 गेट दे छड़ा जाउछि बन्या जल बर्तमान जल भंडारर 10 गेट दे छड़ा जाउछि बन्या जल जल भंडार को प्रति सेकेंड रे 1,11,244 घनफुट जल भंडार को प्रवेश करुछि सेहिपरि निष्कासित हेउछि 1,55,000 घनफुट जल हीराकुद जल भंडार सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट रही बेले 64 स्लुइस गेट और 34 क्रेस्ट गेट मिसाई समुदाय 98 गेट रही गत वर्ष अगस्त 14 तारीख में गेट खोल जाता चलित बर्ष जून मस छड़ा जा बन्या जल ऊपर मुंडे मोटे वर्षा नहीं ये की पानी आउसी ताकु बैलेंस करी करी आमे छाडुचु तापर तार रिजर्वर स्टेबल देखी करी आमे तापर पानी छाड चलित वर्ष रिजर्वर लेवल बढी गला 618 पळे आसला गत वर्ष अगस्त मास रे 618 थिला गत वर्ष भी सेई 618 रे छडा आइतिला ए वर्ष भी सेई 603 वर्ष होलानी 618 रे छडा आउ 10 टिकट केते दिन कंटिन्यू करबा आमे सेटा देखी करी रिजर्वर रो ऑपरेशन देखी करी इनफ्लो देखी करी कंटिन्यू 10 फुट पानी रो 10 फुट पानी रिजर्वर रहला कैनाल रे दिया गला पावर जनरेशन रे दिया गला समय सारी छे वर्तमान पई जिला रिपोर्ट को एटी रखिबा नमस्कार।